लोग सीखेंगे कि कल के दिन के जैकपॉट ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है और आज के दिन अपने फ्री वाले चैनल में ये जो पैसा डबल वाला सिग्नल दिया था उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे, उसमें ट्रेंड कन्फर्मेशन ले लेंगे, मार्केट का साइकोलॉजी सेंटिमेंट समझने की कोशिश करेंगे और फिर इंट्राडे चार्ट के ऊपर हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर एंट्री और एग्जिट मिल सकता है। अभी डेली में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मार्केट का सेंटीमेंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसा मैंने आपको पुराने वाले वीडियोस में बताया हुआ था कि मार्केट जो था वो डाउन ट्रेंड लगा रहा था और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन कर दिया है और डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद मार्केट ने एक नैरो रेंज में रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया हुआ है। अभी कल के दिन मार्केट अगर इस हाई को निकलता है अपसाइड की तरफ तो एक मोमेंटम हो सकता है जो मार्केट को 42,000 तक ऊपर की साइड में लेके जा सकता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मल्टीपल टाइम के ऊपर मल्टीपल डेज में यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करने की कोशिश की है लेकिन पिछले दो दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रीन में क्लोज हो रहा है। यह हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है लेकिन बुलिश सेंटीमेंट डेवलप होकर ज्यादा फायदा तभी मिलेगा जब यहाँ पे मार्केट में फ्रेश बायर इंटर हो जाएंगे और वो भी बड़े क्वांटिटी के साथ। अभी बड़े क्वांटिटी के साथ फ्रेश बायर कब इंटर होंगे, जब एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा, ओपन इंटरेस्ट के डेटा में वहां पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, तभी जाके फ्रेश एंट्री हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो अभी फ्रेश एंट्री के लिए डेली चार्ट के ऊपर कौन सा लेवल हम लोगों को निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है क्योंकि इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो ये 41,791 का जो लेवल है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, कल के दिन मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 41,800 का जो कॉल है वो 41,800 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 60 से 70 पॉइंट का रहेगा। नीचे की साइड में जो भी कुछ स्विंग लो लगाएगा मार्केट में हम लोग उसको एज अ स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 42,000 के लेवल के करीब का टारगेट निकल के आ रहा है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का ऊपर की साइड का टारगेट हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये 42,000 के करीब जाके मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है इसके ऊपर आने वाले मोमेंटम डिपेंड रहेंगे। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में अगर कॉल की साइड में हमें दिखाई देता है कि लोग यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं तो हम लोग उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करने की कोशिश करेंगे। अगर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोगों को कॉल की साइड में दिखाई देता है कि लोग यहाँ पर ऐड हो रहे हैं तो हम लोग वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज नहीं करेंगे, हम लोग वहां से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये ओपन इंटरेस्ट के डेटा को प्राइस एक्शन के साथ कैसे क्लब करना है ये अगर आपको सीखना है तो आप मेरा फ्री वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसको कैसे ज्वाइन करना है इसके सब डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिए हुए हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि इंट्राडे में कहां पे बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है। तो यहां पे हम लोग इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट को रेफर करेंगे। 15 मिनट का चार्ट मैंने अभी आपके सामने लगाया हुआ है तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने जो प्रीवियस वाला हाई था उसी हाई को रिस्पेक्ट किया हुआ है, वो हाई को अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो कल के दिन मार्केट अगर बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता है 41,180 के ऊपर तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर दिन भर में कभी भी मार्केट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे एक हैमर लाइक कैंडल या इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बना है तो वहाँ पे हम लोग 41,500 का जो कॉल है उसको वहाँ पर बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग एज अ स्टॉप लॉस की तरह उसको यूज करेंगे। पहला टारगेट 600 के लेवल के करीब निकल के आ रहा है और दूसरा टारगेट जो है वो 700 के लेवल के करीब का यहाँ पर निकल के आ रहा है। मार्केट अगर कल के दिन बड़े गैपअप के साथ खुलता है तो बड़े गैपअप के साथ खुलने के बाद बड़े इमीडिएटली ट्रेड करने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहां पर अच्छा खासा बाइंग हो चुका है और अगर आप देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में हम लोगों को क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि बाय के कुछ पोजीशन जो है उसको होल्ड किया हुआ है कुछ लोगों ने। तो यहां पर जैसे ही मार्केट गैप अप के साथ खुलेगा यहां पर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगी तो ये प्रॉफिट बुकिंग में हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि मार्केट अगर नीचे भी आता है तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो प्रॉफिट बुकिंग में ज्यादा नीचे आया तो भी कभी भी मार्केट बाउंस बैक दे सकता है तो हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। जैसे ही कल के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। जैसे आज यहां पर मैंने पैसा डबल का सिग्नल दिया था, इस फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सेनारियो डेवलप हो चुका है और वहां पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहां पर मिलेगा। निफ्टी के चार्ट को अगर आप लोग ठीक से देखते हो तो आपको यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। मैंने कल के वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि मार्केट में हमारे
हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये ट्रेंड लाइन है, और जैसे इस ट्रेंड लाइन के हाई के ऊपर निकलेगा मार्केट बुलिश हो जाएगा। जो लोग यूट्यूब के रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्होंने मॉर्निंग सेशन में अच्छा ट्रेड यहाँ पर मिला और उसको कैच भी कर लिया। अभी यहाँ पर इशू क्या है, मार्केट ने ऑलरेडी पिछले दो दिनों से बुलिश कैंडल दिखाया हुआ है। जब भी हम लोग एक्सपायरी के दिन के ट्रेड के लिए जाते हैं सबसे बेस्ट मोमेंटम कब आता है, जब लोग ट्रैप हो जाते हैं तब सबसे बेस्ट मोमेंटम आता है। अभी लोग ट्रैप कब हो जाएंगे, मान लो कि बहुत सारे वीक ट्रेडर रहेंगे, स्मॉल ट्रेडर रहेंगे, रिटेल ट्रेडर रहेंगे, उनका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि मार्केट अपसाइड जाएगा और उसी दिन अगर मार्केट डाउनसाइड आता है तो वो मोमेंटम सबसे फास्ट होता है और सबसे क्विक होता है, और इसी फास्ट और क्विक मोमेंटम में ऑप्शन के प्रीमियम सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। आज के दिन यहाँ पर जो एक्सपायरी वाला के दिन के पहले ब्रेकआउट मिला हुआ है, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छा खासा मुनाफा भी कमाया, डबल प्रॉफिट भी किया यहाँ पर। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि ये आज के दिन अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है और कल के दिन ब्रेकआउट मिलता है तो यहाँ पर प्रीमियम डबल नहीं हम लोगों को ट्रिपल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन 1:30 बजे के बाद अगर जो भी सिग्नल डेवलप होता है वहाँ पर बहुत बढ़िया मुनाफा हम लोगों को मिलता है। अभी कल के दिन सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बजाय डायरेक्टली 50% के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आज के और कल के दिन जिन्होंने भी बाय किया रहेगा वो लोग इमीडिएटली ट्रैप हो जाएंगे और उनकी वजह से एक डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। अपसाइड के लिए अभी हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से जो मोमेंटम दिखाया हुआ है उसके बाद मार्केट को थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाना चाहिए, और रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाने के बाद अगर 1:30 बजे के बाद अपसाइड के लेवल को ब्रेक करता है तो वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। अभी बाइंग भी किया तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हम लोगों के लिए ऊपर की साइड में ये वाला जोन है 18,100 से लेकर 18,200 का, ये जोन हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी पॉइंट से एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब ऑलरेडी मार्केट एक क्रूशियल लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है 18,000 के ऊपर, ये हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन ऊपर की साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो 18,100 से लेकर 200 के बीच में एक रेजिस्टेंस का जोन बन के आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम लोगों को टारगेट जो मिल रहा है वो टारगेट थोड़ा छोटा मिल रहा है, तो इसकी वजह से बाइंग के लिए मैं इमीडिएट इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर नीचे आता है तो वहाँ पे बाइंग करना बेस्ट रहेगा, मतलब कल के दिन हम लोग बाय ऑन द डिप्स का रणनीति अपनाएंगे। बाय ऑन द डिप्स में हम लोगों को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड मिल सकता है। तो अभी डेली एनालिसिस में हम लोगों को ये सेंटिमेंट वगैरह सब क्लियर हो गया, तो अभी हम लोग इंट्राडे चार्ट के ऊपर देखेंगे कि कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो अभी इंट्राडे में हम लोग 15 मिनट चार्ट का एनालिसिस करेंगे। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक क्विक मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था। एग्जैक्टली इसी मोमेंटम को हम लोगों ने कंप्लीटली कैच किया हुआ था जिसमें प्रीमियम डबल हुआ था। इसको आप यहाँ पे फ्री वाले चैनल में जाके क्रॉस चेक करके देखिए, इसका लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी इसकी वजह से क्या हो चुका है कि यहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन इंपॉर्टेंट है, और जब भी करेक्शन आ जाएगा तो वो लेवल हमारे लिए क्रूशियल रहेगा। तो क्रूशियल लेवल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ से हमें पता चल सके कि कहाँ से मार्केट का साइकोलॉजी सेंटिमेंट चेंज हो सकता है। अभी मार्केट का साइकोलॉजी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिपेंड रहता है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हम लोगों को दिखाई देता है। इस प्राइस एक्शन को साइकोलॉजी में कैसे कन्वर्ट करना है और चार्ट को कैसे रीड करना है, ये आप मेरे फ्री वाले कोर्स में सीख सकते हो। फ्री वाला कोर्स का नया बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसको मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो कल के दिन दोबारा मार्केट 17,949 के करीब आता है और यहाँ पे कुछ हैमर लाइक कैंडल और इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है, तो उस केस में हम लोग 17,950 का जो कॉल है वो 17,950 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग लो मार्केट बनाएगा हम लोग उसका स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। ऊपर की साइड में पहला टारगेट 18,000 के लेवल का रहेगा, सेकंड टारगेट 18,025 के लेवल का रहेगा। यहां पर मार्केट कंसोलिडेट करता है, टाइम स्पेंड करता है और फिर अपने हाई को ब्रेक करता है, तो यहां से और भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट पॉइंट हो गया। अगर इस सपोर्ट के पॉइंट के बजाय यहां पर मार्केट 17,920 के लेवल पर खुलता है कल के दिन, तो यहां से भी मार्केट एक बाउंस बैक दे सकता है। उस केस में हम लोग 17,900 का जो कॉल है वो 17,900 के कॉल को यहां पर बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस आएगा, यहां पर जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। पहला टारगेट 17,950 के बीच में रहेगा और दूसरा टारगेट 18,000 के करीब का रहेगा। अभी मार्केट में कल के दिन डाउनसाइड का मोमेंटम कब देखने को मिल सकता है, यहां पर हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, जिस सपोर्ट के लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है। तो इस सपोर्ट लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो बहुत सारे ट्रेडर यहां पर फंस जाएंगे और हम लोग बस उनका इंतजार करेंगे कि वो लोग कब ट्रैप हो जाते हैं। तो यहां पर नीचे की साइड में अगर आप देखते हो तो यह 17,912 का जो लेवल है,
इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो यहाँ से हम लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जिस केस में हम लोग 17,900 का जो पुट है वो 17,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो भी रहेगा वो ऊपर की साइड में जो भी कुछ स्विंग लो बनेगा स्टॉप लॉस की तरह यूज करेंगे। पहला टारगेट 40 से 50 पॉइंट का, मतलब 17,960 के करीब का पहला टारगेट हमारे यहाँ पर निकल के आ रहा है। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की साइड में 17,820 का जो लेवल है ये हमारे लिए सेकंड टारगेट करके निकल के आ रहा है। ये दोनों टारगेट के लिए हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।